हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर लर्निंग एक्सरसाइज 3.1। इसके रिलेटेड मैंने यस्टरडे आपको फोटो भेजा था, जिसके अंदर 1 to 100 के ऑल द फैक्टर्स आपको दिए गए, वो आपको प्रिपेयर करने हैं, तैयार भी करने हैं। जो हमने स्टैंडर्ड 5th में मैंने आपको सिखाए भी थे, ब्राइट ऑल द फैक्टर्स, तो उसके रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। सो यू कैन सी हियर, तो 1 से 100 कैसे फैक्टर मैंने फाइंड किए, आपने भी कैसे फाइंड किए, वो आपको देखना है। तो 24, तो उसकी मेथड के साथ मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। आप आंसर विदाउट मेथड भी ऑल द फैक्टर्स में लिख सकते हो। सो 24 ऑल द फैक्टर्स फाइंड करने, हमको क्या फाइंड करना है, ऑल द फैक्टर्स। सो याद करो, रिमेंबर करो, स्टैंडर्ड 5th में मैंने आपको कैसे सिखाया था। तो 24 है, तो स्टैंडर्ड 5th में भी मैंने आपको 1 से 100 तक लिखवाए थे, वही चीज 3.1 में आई है पूरी। सो 24 मतलब 1K टेबल में 1 24 या 24। फिर सोचना है 2K टेबल में, 2K टेबल में कब आएगा, 2 12 जा 24। एक भी टेबल रह जाना नहीं चाहिए, 2 12 जा 24। फिर 3K टेबल में 3 8 जा 24। देन चेक द टेबल ऑफ 4 4 6 जा 24। 5K टेबल में 5 5 जा 25 5 4 जा 25। के टेबल में कभी 24 नहीं आएगा। देन 6K टेबल में 6 4 जा 24, 8 3 जा 24। अगर रिवर्स ऐसे आ गए 6 4 जा 24, तो आपको लिख देने हैं फैक्टर। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 1, ये पूरे ऐसे राउंड में यू शेप में आपको लिखने हैं, 1 2 3 4 6 8 12 and 24। 1 2 3 4 6 8 12 and 24, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। तो ऐसा ही मैंने 5th में आपको सिखाया था, थोड़ा याद करो तो आपको सब याद आ जाएगा। देन सेकंड एग्जांपल 15। सो आपको देखना है 15 कौन से टेबल में आ रहा है। सो 15 1 जा 15 मतलब 1 15 जा 15। देन 2K टेबल में 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 नहीं आएगा। देन चेक करो 3K टेबल में 3 5 जा 15। देन 4 का टेबल चेक करो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 नहीं आएगा। देन 5th टेबल 5 3 जा 15, तो 5K टेबल में आएगा। सो आंसर इज 1 3 5 एंड 15। 5K टेबल में ऐसे रिवर्स आ गया, देन आवर आंसर इज कंप्लीट। फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 1 3 5 एंड 15। एज इट इज इन एग्जाम्पल नंबर 3 21, सो 1 21 जा 21, हर एक के फैक्टर में 1 एंड दिस नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद तो होगा ही 121। देन 2K टेबल में 21 नहीं आएगा, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, 2 में नहीं आएगा। 3K टेबल में 3 7 जा 21। देन 4 का टेबल 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 में भी नहीं आएगा। देन 7 3 जा 21 मतलब 7 के टेबल में आ गया, और ये रिवर्स आ गया, फिर हमको आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। Therefore, we can write factors of 21 is equal to 1 3 7 21 1 3 7 and 21. As it is, we are going to example number 4, 27. 1 multiply 27, 1K table में 127 जा 127, then 2K टेबल में 13 2 जा 26, 14 2 जा 20, 2K टेबल में नहीं आएगा। देन 5K टेबल में नहीं आएगा, 6K टेबल में नहीं आएगा, सॉरी 3 का टेबल रहेगा हमारा, 3K टेबल में 3 9 जा 27, क्या आएगा, 3 9 जा 27। फिर 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 नहीं आएगा, 8 में 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 नहीं आएगा। देन 9 3 जा 27 मतलब हमारा आंसर कंप्लीट होगा। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल टू 1 3 9 एंड 27। तो ऐसे हमको इसके चार फैक्टर मिले। देन नंबर 5 12, सो 12 चेक करो, 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, देन 3 के टेबल में 3 4 जा 12, देन 4 के टेबल में 4 3 जा 12, तो रिपीट आ गया 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो अवर आंसर इज कंप्लीट। देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ
12 is equal to 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So factors of 12 is equal to 1, 2, 3, 4, 6, 12. As it is number 6 in 20, so 20 के factor कौन से होगा? 1 multiply 20. फिर 2 के table में आएगा 2 times 20. Then 3 के table में नहीं आएगा. 3, 6, 18, 3, 7, 21, 3 के table में नहीं आएगा. Then 4 का table, 4, 5, 20. And then 5 के table में भी आएगा 5, 4, 20. So our answer is completed. Therefore, factors of 20 is equal to 1, 2, 4. 1, 2, 4, 5, 10, 20. 5, 10 and 20. Then number 7, 18. 18 ke factor 1 into 18. Then 2 ke table mein 2, 9, 18. So we can write here 2, 9, 18. Then 3 ke table mein bhi aayega 3, 6, 18. Then 4 ke table mein 4, 4, 16. 4, 5, 20. 4 mein nahi aayega 5, 3, 15. 5, 4, 20. 5 mein bhi nahi aayega. Then 6, 3, 18 aayega. So reverse bhi aagaya 6, 3, 18. So these all are the factor of 18. Therefore, factors of 18 is equal to 1, 2, 3, 6, 9 and 18. Then number 8, 23. So 23 कोई भी टेबल में नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या है वे भी मैंने आपको सिखाया था स्टैंडर्ड फिफ्थ में. जो इस नंबर को डिवाइड करने से वन या उसके अलावा नंबर सेम के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं मिलता है. मतलब 23 कोई भी टेबल में आएगा नहीं, 1 के अलावा कोई भी टेबल में नहीं आएगा. सो इट इज अ प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर के फैक्टर हो गए 1 एंड दिस नंबर इटसेल्फ 1 मल्टीप्लाई 23. मतलब 23 1 जा 23, मतलब इसके फैक्टर 1 एंड 23 ही होगे. तो प्राइम नंबर में आपको ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा काम नहीं करना है, उसमें दोनों नंबर आएंगे. तो प्राइम नंबर का लिस्ट भी कल आपने जो फैक्टर मैंने भेजे थे फोटो में उसमें आप देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर तो 1 टू 100 के बीच में टोटल 25 नंबर प्राइम नंबर होते हैं. लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर 25 नंबर हो गए 1 टू 100 तक जो आपको तैयार भी करने हैं. नेक्स्ट टाइम मैं आपको प्राइम नंबर भी लिखा होगा. सो 23 इज अ प्राइम नंबर, सो इट्स फैक्टर 1 एंड 23. देन 9th नंबर 36. 136 जा 36. देन 2 के टेबल में 18 टू जा 36. देन 3 के टेबल में भी आएगा 12, 3 जा 36. देन 4 के टेबल में भी 4, 9 जा 36. 4, 9 जा 36. देन 6 टेबल 6, 6 जा 36. फिर रिपीट आ गया 6, 6 जा 36. तो अवर आंसर इज कंप्लीटेड. देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 6 एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है. 9, 12, 18 एंड 36. 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18 एंड 36. तो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 36. तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें कंप्लीट हुआ. नाउ वी आर गोइंग टू एग्जाम्पल नंबर 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ. तो मल्टीपल्स भी आप स्टैंडर्ड फिफ्थ में सीख गए हो. मल्टीपल्स मतलब उसके टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो. तो यहाँ हमको फाइंड करने फाइव मल्टीपल्स. सो यू कैन सी हियर, ये मेथड के साथ भी लिख सकते हो आप, डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हो. तो फर्स्ट फाइव मल्टीपल मेथड के साथ मैं कर रहा हूँ. तो 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा एंड 5 5 जा. 5 मल्टीपल है. सो 1 2 3 4 5 पाँचों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25. सो हियर इज अ आंसर. सो वी कैन से दैट देयरफॉर मल्टीपल्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25. सो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हमने लिख दिए. मल्टीपल्स ऑफ 5, 5, 10, 15, 20 एंड 25. तो 5 के टेबल में जो जो नंबर आते हैं लास्ट में दे आर इट्स मल्टीपल. देन 8, 8 में भी इसके जैसे ही करेंगे. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40. सो मल्टीपल्स ऑफ 8, तो यू कैन राइट हियर मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 8, 16,
8 16 24 32 and 8 5 40 एज इट इज 9 के मल्टीपल तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो आंसर, डायरेक्ट भी लिखना हो तो लिख सकते हो आप मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 1 9, यू कैन टेल दैट 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36 एंड 9 5 45, इट इज द आंसर. 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45. तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. ये सब चीज़ें मैंने स्टैंडर्ड फिफ्थ के सेकंड सेम में आपको सिखाई थी, तो अच्छे से समझ के आपको लिखना है. नाउ मैच द फॉलोइंग एंड कॉलम वन एंड कॉलम टू. तो कॉलम वन में क्या है 35, देन सेकंड नंबर है 15, देन थर्ड नंबर है 16 एंड फोर्थ नंबर है 20. तो आपको सीधा आंसर ही लिखना है. सो 35 15 16 एंड 20. तो 35 क्या है, तो राइट साइड में आप देखो मल्टीपल ऑफ 8, तो 35 इज मल्टीपल ऑफ 8, नो मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 के मल्टीपल में आएगा 7 1 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35. तो 7 के टेबल में आएगा, मतलब इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7. नाउ नेक्स्ट थिंग 15, तो 15 में फिर चेक करो मल्टीपल ऑफ 8 है, 8 का मल्टीपल नहीं है, 8 के टेबल में नहीं आता है. 8 1 8, 8 2 16, मल्टीपल ऑफ 7 तो कैंसिल हो गया हमारा. देन मल्टीपल ऑफ 70, 70 का मल्टीपल है नहीं है. फैक्टर ऑफ 30, अरे फिफ्थ नंबर भी यहाँ पे है दूसरे पेज के ऊपर 25, ओके फैक्टर ऑफ 30, तो 30 का फैक्टर है, तो यस 30 के फैक्टर में आएगा ये, कि 15 2 30, तो हियर वी कैन राइट फैक्टर ऑफ 30. नाउ 16 के लिए चेक करेंगे, तो मल्टीपल ऑफ 8, 8 1 8, 8 2 16, तो 8 के टेबल में आएगा. सो वी कैन राइट हियर मल्टीपल ऑफ 8. देन वी आर गोइंग टू 20, तो 20 कहाँ आएगा, मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 नहीं आएगा, मल्टीपल ऑफ 7 के टेबल में नहीं आएगा, मल्टीपल 70 के टेबल में नहीं आएगा. फैक्टर ऑफ 30 तो ऑलरेडी आ गया यहाँ पे, तो वो नहीं आएगा. फिर दूसरे पेज पे आप देखना फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर है 20, तो 20 50 का फैक्टर नहीं है. देन फैक्टर ऑफ 20, तो यस इट इज अ फैक्टर ऑफ 20. एज इट इज 25 जो है, सो 25 तो फैक्टर ऑफ 50 है, सो 25 में हम लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 50, क्योंकि 50 का फैक्टर है 25 2 50, सो यू कैन राइट हियर फैक्टर ऑफ 50. सो टुडे वी हैव लर्नड एक्सरसाइज 3.1, तो 3.1 एक्सरसाइज मैंने आज आपको पूरी कंप्लीट सिखवाई है, जो आपको अच्छे से लर्न करनी है. इसके रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल वर्कबुक में है तो यू कैन सॉल्व योर सेल्फ, आप खुद उसको सॉल्व करने का ट्राई करो. ओके, ऑल ऑफ यू थैंक यू.